smells. We are eating lunch at KFC and it's so delicious. Have you eaten before? Because I ate it before. We haven't. Well, I haven't, but it looks delicious. So I'm going to eat it and yum it. And I'm so thirsty, I'm going to have water. Finally. You drink your own sushi as well? No. He's disgusting, right? And just to know, we're not going back to England. We're going to Kerala. Where my mom, dad lives. And I made a picture. It is gone. Where is that gone? It's right there. Oh, I got it. नम्म बैंगलोर से अभी गोड्स ऑन कंट्री जा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ है, हमारे घर में किसी को भी, केरल में किसी को भी नहीं मालूम है हम लोग बैंगलोर पहुंच गए हैं। सब लोग को ऐसा लगता है, सबको ऐसा लगता है हम लोग अगस्त में आ रहे हैं। किसी को, मेरी मम्मी पापा, मेरी सास ससुर जी, किसी को नहीं मालूम है हम लोग आ रहे हैं। सब लोग लेकिन वेट कर रहे हैं। स्वाति शांति मेरे दोस्त लोग, हम लोगों ने बोला वो लोग आ जाएंगे, इसलिए वो लोग उनका वेट कर रहे हैं। किसी को मालूम नहीं है हम लोग आ रहे हैं। देखते हैं उनका एक्सप्रेशन भी कैसे लगे जब पहुँचे। हम लोग रात हो जाएगा घर पहुँचते। मौसम अच्छा है। आज स्वाति लोग आ रहे, सोचकर मम्मी ने इतना कुछ बना दिया। ये नॉन वेज मतलब चिकन के अलावा मम्मी हमेशा बाकी सब कुछ बनाते हैं, लेकिन चिकन आज स्पेशल है क्योंकि हमारे घर में चिकन नहीं बनता है। चिकन इसलिए आज स्पेशल है, स्वाति के लिए स्पेशल है। और प्रॉन का है वो कल ही निकालेंगे। हम लोगों ने बोला हम लोग नहीं खाते प्रॉन, इसलिए मम्मी ने नहीं निकाला। बाकी सब मैं आप लोगों को बोलती हूँ क्या क्या है। ये चपाती है, पापड़ है, ये जैक फ्रूट का तोरण है, और ये फिश करी है, और ये है जैक फ्रूट का अवियल, और ये फिश फ्राई है, और ये दाल है, केरल का दाल है, और ये इसको टपियोका सब्जी बोलते हैं मुझे कप्पा। हम लोग कप्पा बोलते हैं। और ये चिकन करी है, और ये पचड़ी है, केरला बनाना से बनता है, और ये अवियल है, और ये है पुलशेरी, नहीं तो कढ़ी भी बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है ये पुलशेरी है, दही से बनता है।
फिर मम्मी ने अभी कुछ और किधर रखा है ये देखती हूँ। हाँ ये है, ये जैकफ्रूट से ही है, ये मीठा है जैकफ्रूट, और मैं तो जैकफ्रूट घी और जैगरी से, हाँ जैगरी से बनता है, बहुत ही टेस्टी है ये। मम्मी ने हमारे लिए बना कर रखे, ये 5-6 महीने आराम से रहेगा, इसलिए वो है, वो स्वीट डिश है। इतना है ये हमारे घर में, बोलते तो ये डेली का है, सिर्फ ये चिकन नहीं रहता है, बाकी सब चिकन और ये टपियो का सब्जी कभी कभी, हाँ टपियो का सब्जी नहीं, कप्पा बोलते, मुझे मालूम नहीं उसको हिंदी में या क्या बोलती हूँ, लेकिन बाकी सब कुछ डेयरी का है। मम्मी को शौक है सपोर्ट खिलाने का, और इसलिए वही आप लोग भी देखो केरल का स्पेशलिटी। और जब मैं आ गया तो मैं सबका इम्प्रेशन, मम्मी तो पूरा शौक हो गया था, लेकिन मैं नहीं दिखा पाई, थोड़ा सा ही ले पाई, क्योंकि सारा रिश्तेदार हम लोग का घर में पास में ही सारा रिश्तेदार रहता है, सब लोग आ गया, और मैं उसी खुशी में व्लॉग कर मैं भूल ही गया था, मैं उन लोगों से बातें करना शुरू, सब कुछ भूल गई मैं। केरल में मेरा सेकंड डे आज, अभी हम लोग जा रहे हैं मेरे घर, दोनों मेरे घर हैं, अभी मैं जा रहे मेरे सास ससुर जी को मिलने के लिए, और उन लोगों को भी मालूम नहीं है हम लोग आ गया है, वो लोग भी सोच रहे हैं स्वाति शांतनु, मेरे दोस्त लोग बैंगलोर से आ रहे हैं, इसलिए वो लोग उन लोगों को ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अभी देखते हैं। कल मेरी मम्मी तो एकदम शॉक हो गई हम लोग को देखकर, थोड़ी टाइम को उसको पहचान ही नहीं पाई है कौन है, क्योंकि चुंगसी काफ़ी लंबा हो गया, उसको समझ में नहीं आ रहा है कौन है। अभी कल थोड़ा बारिश हुई है, कल थोड़ा बारिश हुआ था इधर, इसलिए थोड़ा पानी है रोड पे। अभी हम लोग जा रहे हैं, हम लोग भी एक्साइटेड है, उन लोग कैसे रिएक्ट करेगा देखते हैं, अभी जाकर बाद में मिलते हैं आप लोगों को। आप लोगों ने देखा है ना कितना सरप्राइज हुआ सब लोग, और बहुत खुश भी हो गया, हम लोगों ने जैसा सोचा वैसा ही हुआ, हमारा सरप्राइज विजिट सक्सेसफुल हो गया, और अभी मैं मेरे घर पे ही हूँ। संतोष अभी वापस यूके चले गया और 19 को वापस आ जाएंगे, और मैं अभी मेरे घर पे ही हूँ, खुशी। और अभी मैं 4 दिन के बाद मेरे ससुराल वापस जाएंगे, और 4 दिन के बाद वापस इधर वापस आ जाएंगे।
हाँ मेरी सिस्टर भी 20th को आ रहे हैं, उड़ीसा में है अभी, 20th को वो भी आ रहे हैं केरल। और मैं ऐसा करती हूँ, 4 दिन मेरे ससुराल, 4 दिन घर पर, दोनों को इक्वली करती हूँ, क्योंकि बच्चे लोगों के साथ दोनों को टाइम स्पेंड करना है, तो 4 दिन उधर 4 दिन इधर ऐसे मैं करती हूँ। पास में ही है, दोनों घर पास में ही है, 20 मिनट्स का दूरी है। आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज़ लाइक करना भूलना नहीं, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, और कमेंट करना भूलना नहीं। बाय से बाय खुशी।